हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं आज आपको नमकीन चिवड़ा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो ये नमकीन चिवड़ा घर में बनाया और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं नमकीन चिवड़ा यानी कि मिक्सचर बनाना। तो यहाँ पर मैंने मक्के के चिप्स ले लिए हैं और इन्हें मैं तल लूँगी। मैं 1 किलो लगभग का मैं नमकीन बनाने वाली हूँ। तो ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डालते ही से ये फूल गए हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। बस जैसे ही फूले हमें इनको निकाल लेना है और तेल निथार लेना है इनका। तो ये 100 ग्राम चिप्स होंगे। तो ऐसे ही हम सारे चिप्स तल लेंगे। उसके बाद फिर हम मूंगफली के दाने तलेंगे। एक एक चीज़ें तलनी है आपको। तो हम चिप्स तल लेते हैं, उसके बाद फिर हम मूंगफली के दाने तल लेंगे। अब ये सारे चिप्स मैं इसमें एक साथ ही डाल लूँगी ताकि ये एक साथ ही मैं निकाल लूँ जल्दी से। और मुझे ना तेल के अंदर कुछ भी डालने में, मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है जो तलने की रहती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तलने में। तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली तलती हूँ। और जैसे अभी आपने देखा था कि मैंने ये जाली के अंदर ही रख दिए थे चिप्स और उसी के अंदर ही मैंने उनको तल लिया था। तो वैसे ही आप भी केयरफुली ही आप काम करें तेल के अंदर। तो ये मेरे सारे चिप्स तल चुके हैं मक्के के। अब मैं इसके अंदर दाने तल लूँगी। तो ये मैं दाने ले लेती हूँ। तो दाने भी मैंने इधर लगभग 100 या 150 ग्राम दाने थे मेरे, 150 ग्राम तो मेरे दाने थे ही। तो 150 ग्राम दाने आप ले लें, 100 ग्राम 150 ग्राम आपको जैसे चाहिए वैसा दाना ले। तो 150 ग्राम थे, फिर भी मेरे दाने कम पड़ गए थे मुझे। मेरे बेटे को दाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ये मैंने लिए हैं पोहा। तो ये पेपर पोहा है जो मैं बनाने वाली हूँ मिक्सचर, जो मैं चिवड़ा बनाने वाली हूँ तो मैं इन्हीं पोहा का बनाऊँगी। मुझे ये ही पोहा पसंद आता है जो पेपर पोहा रहता है, बहुत ज़्यादा पतला रहता है, ट्रांसपेरेंट पोहा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोहा बहुत ज़्यादा पतला रहता है, इसीलिए इसे पेपर पोहा कहा जाता है। और मुझे इसी का चिवड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो अब हम दाने तल लेते हैं। और आज हमारे इधर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दिवाली का माहौल है तो शोर तो बना ही रहता है। तो आप इग्नोर करना, बाहर की जो वॉइस आ रही है उसे इग्नोर करना। दानों को तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस उसे लगातार हिलाते रहिए, आप चलाते रहिए तो बहुत जल्दी ही तल जाते हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम ही दाने तले थे। मैंने इसके पहले कभी ना मिक्सचर बनाया है ना चिवड़ा, कुछ भी नहीं बनाया। ये फर्स्ट टाइम ही मैंने बनाया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ पर मेरे दाने भी सारे तला गए हैं और ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से तल ली हैं। तो बस अभी इसे मैं थाली के अंदर निकाल लूँगी दोनों को अलग, और अब ये बड़ी कढ़ाई के अंदर अब मैं पोहा सेक लूँगी। तो एक धान मेरा सिखा गया है एक बार के पोहा, तो और ये एक बार का और बचा है तो ये भी मैं सेक लूँगी। ये देखिए आप, मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया है और मैंने 2 बार करके पोहे को सेका था। एक बार में तेल सेकने से फिर वो हिलाने में नहीं आता है, इसलिए मैंने ये 2 बार करके सेका है। तो अब इसे भी मैं सेक लेती हूँ। तो ये मेरा दूसरी बार का पोहा भी सीख गया है अच्छे से। अब मैं साबूदाने तल लूँगी, जो बड़ा साबूदाना होता है सूखा वाला, वो वाला साबूदाना तल लूँगी। ये चने की दाल मैंने इसके अंदर डाली है। मैं इसके अंदर जब मैंने मिक्स किया था तब मुझे लग रहा था कि वीडियो बन रहा है, लेकिन वीडियो नहीं हो रहा था शूट। और मुझे लगा कि बन रहा है वीडियो तो इसलिए वो मैं नहीं आपको दिखा पाई। तो मैं इसीलिए आपको इसमें से मैंने निकाली है कुछ दालें ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये दाल चने की दाल है और जो मैंने बाज़ार से मंगवाई है, घर में नहीं तली थी।
अगर आप चाहें तो घर में भी तल सकते हैं। तो इसे रात भर के लिए भिगोकर रखना होगा आपको, और सुबह जब ये फूल जाएगी तब इसका पानी सुखाकर, कपड़े से सूख जाए, जब इसका पानी अच्छे से सूख जाए फिर आप इसे तेल में अच्छे से तल लें, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी दाल। और इसके अंदर मैंने खड़े मसूर की दाल भी डाली है जो कुछ इस तरह से रहती है। सब मिक्स हो गया है ना, इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मसूर की दाल कुछ इस तरह से है, तो ये भी मैंने इसके अंदर मिक्स करी है दाल को। ये भी मैंने बाज़ार से ही मंगवाई है। जैसे चने की दाल आप भिगो कर रखेंगे और सुबह सुखा कर उसे तलेंगे, वैसे ही कुछ इस तरह से ही इसको भी ऐसे ही करना है, रात भर भिगोना है। जब ये फूल जाएगी तो इसे सुबह उठकर सुखाना है पूरी प्रॉपर तरीके से, उसके बाद फिर इसको तलना है। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है मेरा मिक्सचर, और दाने और ये जो मुझे इसके अंदर तल कर डालना है। तो ये मैं 1 किलो लगभग का मैं मिक्सचर बनाने वाली हूँ। 1/2 किलो इसके अंदर पोहा है, और 100 ग्राम इसके अंदर ये मक्के के चिप्स हैं, और ये भी 50 ग्राम कुछ लगभग होंगे, तो मतलब 1 किलो का हो जाएगा सब कुछ मिलाकर। तो 1 किलो का मिक्सचर मैं बनाने वाली हूँ, और इसे मैं तल लेती हूँ मध्य आँच में। तो इसे मैं तल लेती हूँ पहले, फिर इसके अंदर हम मिलाएंगे, उसके बाद फिर हम इसके, मेरा तेल गरम हो चुका है तो अब इसके अंदर मैं एक दाना डालकर देख लेती हूँ कि वो अच्छे से प्रॉपर फूलता है कि नहीं, उसके बाद ही मैं तलूँगी। तेल गरम हुआ है कि नहीं एक दाना डालकर हम पहले चेक कर लेंगे। ये फूल के ऊपर आ गया है, मतलब हमारा तेल गरम हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर साबुदाने डाल देती हूँ, थोड़े थोड़े करके मैं तलूँगी इसको। तो आप देख सकते हैं कि हमारा साबुदाना अच्छे से फूल गया है, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। और अब मैं थोड़े ज़्यादा ही डालूंगी इसके अंदर तलने के लिए। अभी मैं सिर्फ देखने के लिए मैंने इसके अंदर डाला था कि तेल प्रॉपर गर्म हुआ है कि नहीं। तो अब मैं सारे ऐसे ही निकाल लूंगी, तल लूंगी। तो ये सारा साबुदाना मैंने तल लिया है, आप देख रहे हैं ना थाली भर के है कुछ ये। और अब मैं इसके अंदर बघार लगाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ले ली है और कुछ प्याज ले ली है, तो मैं इनको लंबा लंबा काट लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर ये कुछ सूखी पत्ती है मीठे नीम की, और कुछ पत्ती हरी है जो मैंने धोई है, तो इसको भी मैं तल लूँगी और निकाल लूँगी। तो अब मैं बघार लगा लेती हूँ। तो पहले तो मैंने इसके अंदर पत्ती डाल दी है नीम की, मीठे नीम की पत्तियाँ डाल दी है, तो वो तल के निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मीठा नीम भी तल चुका है, और यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च को जैसा लंबा लंबा काट लिया है। और प्याज और आप उसके अंदर डालते हैं तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर ये शक्कर है जिसे मैं पीस लूँगी, आप चाहें तो मिक्सर के अंदर भी पीस सकते हैं। तो प्याज डालने पर आप ऐसा नहीं सोचना कि मिक्सचर आपका ख़राब हो जाएगा, चिवड़ा आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है प्याज और हरी मिर्च से। तो हम भगार लगाने की तैयारी करते हैं, अब इसी तेल के अंदर मैं भगार लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं शक्कर को भी पीस लूँगी, आप चाहें तो मिक्सर के अंदर पीस सकते हैं। तो यहाँ पर शक्कर पीस गई है मेरी, और अब जो मैंने मीठा नीम तला था उनको भी मैं हाथों से चूरा करने के बाद मैं इसे मिला लूँगी मेरे मिक्सर के अंदर। और यहाँ पर मैंने जो तेल है इसी तेल के अंदर मैं भगार लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं सौंफ ले रही हूँ, और खड़ा धनिया भी लेना है, लेकिन खड़ा धनिया मेरे पास नहीं था इसलिए मैं बाद में खड़ा धनिया का भगार लगा दूँगी मंगवा कर। तो आप खड़ा धनिया हो तो खड़ा धनिया भी डालें। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी सौंफ ले ली है, तो इसका मैं भगार लगाऊँगी। तो तेल गर्म हो गया है और मैंने इसके अंदर सौंफ डाल दी है, और वैसे ही मैंने इसके अंदर प्याज और हरी मिर्च डाल दी है। तो अब इसे मैं जो लगातार चलाते हुए इसे तलना है, जैसे हम पोहे का भगार लगाते उस टाइप से कुछ, लेकिन बस ये लंबा लंबा प्याज काटना है। और एक मेरा आधा टुकड़ा ऐसा ही रह गया था प्याज का जो मैंने इसके अंदर काट कर डाल दिया था। तो आप हरी मिर्च आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसी आप चाहें, जितना आपको तीखा चाहिए। तो इसके अंदर मैंने लाल मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ हरी मिर्च ही डाली थी, और इसी से मुझे चरकापन टेस्ट आ गया था उसके अंदर मिक्सचर में। तो यहाँ पर मेरा प्याज का रंग भी चेंज हो गया है, और इसके अंदर मैंने कुछ सूखी मीठी नीम डाल दी है, और बस मैं इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी। आपके हिसाब से इसके अंदर हल्दी डालें, जितना आप चाहें उतना आप हल्दी डाल सकते हैं, जितना आपको पीलापन चाहिए मिक्सचर के अंदर चिवड़े के अंदर उतना आप हल्दी डालें।
हमारा यहाँ पर ये भगाड़ बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो गया है। तो जो भी हमारा हमने तला है ये सब हम एक बड़े बर्तन के अंदर ले लेंगे, थाली के अंदर। पहले हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, उसके बाद जो हमने भगाड़ लगाया है वो भगाड़ इसके अंदर डालने के बाद उसे भी अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नमक ले रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर काला नमक भी डाला था। आप चाहें तो आप काला नमक डाल सकते हैं, अगर ना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये शक्कर है, जो मैंने शक्कर को पीसी थी वो शक्कर मैंने इसके अंदर डाली है। तो अब इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी, उसके बाद जो मैंने भगार तैयार करा है वो मैं भगार इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये मेरा भगार भी रेडी है, तो मैंने इसके अंदर ही भगार डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिलाना है, अभी हमें पहले हम अच्छे से मिला लेंगे इसे। यहाँ मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर लिया है और अमचूर पाउडर डाल के मिला लूँगी इसे। आपको खटाई में जो लगे आप वो डाल सकते हैं, अगर टाटरी डालना चाहे तो टाटरी भी डाल सकते हैं। मेरे पास टाटरी भी थी और अमचूर भी था, तो मुझे अमचूर अच्छा लगता है इसलिए मैंने अमचूर पाउडर डाला है। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद मिलाने के बाद थोड़ा सा आप टेस्ट कर लें कि आपको उसमें क्या कमी लग रही है, उसके बाद फिर आप ऊपर से भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना, और आप ज़रूर ट्राई करना कि आपको एक रेसिपी कैसी लगी, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।